नमस्कार, निर्माण आईएएस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आर्थिक हलचल के अंतर्गत चर्चा करेंगे संप्रभु बॉन्ड और कॉरपोरेट बॉन्ड या मसाला बॉन्ड। आइए जानते हैं कि संप्रभु बॉन्ड क्या होता है। विदेशी पूंजी बाजार में निवेश करने के लिए विदेशी करेंसी में जारी किया जाने वाला यह बॉन्ड होता है। यह एक प्रकार का ऋण होता है जिसे सरकार एक निश्चित अवधि के लिए दुनिया के बाजारों में ब्याज भुगतान के वादे के साथ जारी करती है तथा परिपक्वता तिथि पर बॉन्ड के पूरे अंकित मूल्य को चुकाती है। भारत सरकार ने अभी तक केवल घरेलू बाजार में ही बॉन्ड जारी किए हैं। आइए जानते हैं कि संप्रभु बॉन्ड के फायदे क्या हैं। यह देश में निजी निवेश को बढ़ावा देने में मदद करेगा। भारत में ब्याज की दरें अधिक हैं, अतः कम ब्याज पर विदेशी बाजारों और निजी निवेशकों से सरकार की गारंटी द्वारा कम ब्याज भुगतान पर कर्ज प्राप्त होगा, जिससे भारतीय बाजार में सस्ते ऋण की प्राप्ति होगी। जीडीपी के मुकाबले कर्ज का अनुपात भारत में 5% है, जो दुनिया में सबसे कम है। आने वाले समय में भारत को व्यापक निवेश की आवश्यकता है, अतः संप्रभु बॉन्ड इसमें सहायक सिद्ध हो सकता है। भारत की साख अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेहतर है, जो निवेश जोखिम को कम करता है, अतः विदेशों से सरकार को सस्ता कर्ज जुटाने में आसानी होगी। आइए इसके संभावित जोखिम क्या है। कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि रुपये की कीमत में गिरावट होने पर हमें अधिक ब्याज देना होगा। 1970 के दशक में कुछ मध्य और दक्षिण अमेरिकी देशों ने विदेशों से भारी मात्रा में कर्ज लिया, लेकिन समयांतराल पर उनकी मुद्राओं में गिरावट आई, अतः ये देश अपना कर्ज चुका नहीं सके। विदेशी उधार से भारत की विदेशी मुद्रा भंडार में तेजी से वृद्धि होगी, जिससे रुपये की कीमत मजबूत होगी। अगर रुपया मजबूत हुआ तो आयात को प्रोत्साहित करेगा। यह सरकार के कोशिशों के विपरीत होगा, क्योंकि सरकार आयात से निर्भरता कम करना चाहती है। एक अन्य समस्या यह है कि ऋण न चुकाने की दशा में सरकार को अधिक करेंसी की छपाई करनी पड़ सकती है, जिससे मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिलेगा। आइए जानते हैं कि संप्रभु बॉन्ड का घरेलू बाजार के लिए क्या महत्व है। राज्य सरकारों को बिजली कंपनियों के लिए या बैंकों के कैपिटलाइजेशन हेतु घरेलू बॉन्ड बाजार का एक रुख करना ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर संग्रह में गिरावट देखी जा रही है। सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 100 लाख करोड़ रुपए का निवेश विनिर्माण क्षेत्र में करने का है तथा आने वाले समय में निजी निवेश द्वारा $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने में हमें व्यापक निवेश की आवश्यकता है, जो कम ब्याज दर पर उपलब्ध हो। ये कुछ कारण हैं जो सरकार को संप्रभु बॉन्ड जारी करने की ओर प्रेरित कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि मसाला बॉन्ड या कॉरपोरेट बॉन्ड क्या है। मसाला बॉन्ड को नवंबर 2014 में अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार में विश्व बैंक समूह के एक सदस्य इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन द्वारा भारत में बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए जारी किया गया था। मसाला बॉन्ड लंदन स्टॉक एक्सचेंज में भी सूचीबद्ध है। भारत मसाला बॉन्ड वर्ष 2015 से जारी होना शुरू हुए थे। भारतीय कंपनियों, जिसमें प्राइवेट और सरकारी दोनों सम्मिलित हैं, को विदेशों से पूंजी जुटाने के लिए कई तरह के साधनों की अनुमति भारत सरकार और रिजर्व बैंक से मिली हुई है। उन्हीं साधनों में से एक है मसाला बॉन्ड। कंपनियां विदेशों से मसाला बॉन्ड बेचकर अपनी जरूरत की पूंजी जुटाती हैं, अर्थात विदेशी पूंजी बाजार में निवेश के लिए भारतीय रुपये में जारी किए जाने वाले बॉन्ड को मसाला बॉन्ड कहते हैं। यह एक कॉरपोरेट बॉन्ड होता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जारी किया जाता है। मसाला बॉन्ड को भारतीय मसालों के नाम पर मसाला बॉन्ड कहा जाता है। इनकी न्यूनतम परिपक्वता अवधि 3 साल है। अप्रैल 2016 तक यह अवधि 5 साल की थी। इसको 3 साल से पहले भुनाया नहीं जा सकता है। मसाला बॉन्ड जारी होने से पहले भारतीय कंपनियां विदेशी निवेश के लिए डॉलर में बॉन्ड जारी करती थी, जिसके मूल्य में उतार चढ़ाव तो होता था, तो उसका नुकसान भारतीय कंपनियों को उठाना पड़ता था। लेकिन मसाला बॉन्ड के मामले में ऐसा नहीं होता है। विदेशी निवेशक इस बॉन्ड को इसलिए खरीदते हैं ताकि रुपये के जारी किए गए बॉन्ड्स पर ज़्यादा ब्याज कमाया जा सके। इतना ब्याज उन बॉन्ड्स पर नहीं मिलता जो डॉलर में जारी किए जाते हैं। कंपनियां स्वचालित मार्ग से $50 अरब प्रति वर्ष के बराबर राशि मसाला बॉन्ड के माध्यम से उठा सकती हैं। यदि वे इस सीमा से अधिक रुपया उधार चाहती हैं तो उन्हें रिजर्व बैंक की अनुमति लेनी होगी। ध्यान रहे कि मसाला बॉन्ड के जरिए उधार लिया गया रुपया पूंजी बाजार, रियल एस्टेट और भूमि की खरीद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आइए जानते हैं कि मसाला बॉन्ड को कौन जारी कर सकता है। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत के आधारभूत संरचना के विकास के लिए नवंबर 2014 में 1,000 करोड़ रुपए के मसाला बॉन्ड जारी किए थे। इस बॉन्ड को भारत की प्राइवेट और सरकारी दोनों कंपनियां जारी कर सकती हैं। मसाला बॉन्ड को भारत की वे कंपनियां जारी करती हैं जिनको विदेशी स्रोतों से बिना जोखिम का फंड जुटाने की जरूरत होती है। कॉरपोरेट बॉन्ड के लिए वर्तमान में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की सीमा 2,44,323 करोड़ रुपये है, जिसमें केवल 44,001 करोड़ रुपए के मसाला बॉन्ड शामिल हैं।
आरबीआई ने 3 अक्टूबर 2017 से यह नियम बनाया है कि मसाला बॉन्ड अब विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों का हिस्सा नहीं होगा, अब इसे बाहरी वाणिज्यिक उधारों का हिस्सा माना जाएगा। अब यदि कोई कॉर्पोरेट हाउस विदेश में मसाला बॉन्ड को बेचना चाहता है तो उसे केवल रिजर्व बैंक से अनुमति लेनी होगी। आइए जानते हैं कि मसाला बॉन्ड के फायदे क्या हैं। मसाला बॉन्ड भारतीय रुपये में जारी किए जाते हैं और इनकी परिपक्वता अवधि पूरी होने पर भुगतान डॉलर में नहीं बल्कि भारतीय रुपये में करना होता है, जिससे बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा की बचत होती है। मसाला बॉन्ड का दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि डॉलर और रुपये के बीच की विनिमय दर में उतार चढ़ाव से होने वाले घाटे का कोई भी प्रभाव भारत की कंपनी अर्थात मसाला बॉन्ड जारी करने वाले के ऊपर नहीं बल्कि इसे लेने वाले के ऊपर पड़ता है। मसाला बॉन्ड के शुरू होने से पहले भारत के कॉर्पोरेट हाउस बाहरी वाणिज्यिक उधारों के रूप में उधार लेते थे जिनका भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता था। इसके साथ ही विनिमय दर में उतार चढ़ाव से हानि को भी बर्दाश्त करना पड़ता था। एक अन्य फायदा यह है कि मसाला बॉन्ड से भारतीय रुपये को विश्व स्तर पर पहचान मिलती है और एक समय ऐसा भी आएगा जब भारत के रुपये डॉलर की तरह देश के द्वारा स्वीकार किया जाएगा। मसाला बॉन्ड विनिमय दर जोखिम से कॉर्पोरेट बैलेंस शीट को सुरक्षित रखने का एक अच्छा विचार है। विदेशी ऋण पर ज़्यादा निर्भर रहना बुद्धिमानी वाला फैसला नहीं है। हमें उम्मीद है कि हमारा यह प्रयास आपके लिए विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में मददगार साबित होगा। हम आगे भी इस प्रकार के टॉपिक आपके लिए लाते रहेंगे। निर्माण आईएएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।